हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो 5.2 है और इसमें आपके लिए पांचवा प्रश्न करा रहे हैं। देखिए पांचवा प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्या प्रश्न है हम आपके लिए पढ़ के बता देते हैं। लिखा है समांतर सरणी 3, 5, 7 और 9 और डॉट डॉट करके लिखा है 201। कितना लिखा है? 201 का अंत से पांचवा पद निकालना है, का अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद निकालना है, ठीक है ना? अंत से पांचवा पद। अगर हम बात करें इसके सूत्र की तो इसका जो सूत्र है वो ये है, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद, एनवा पद, अंत से एनवा पद अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा, ठीक है? अंत से पद। तो यहां पर एल का मान है 201, मैंने लिख दिया एल का मान 201 हो गया, और फिर ए का मान है 3, यानी फर्स्ट टर्म ए का मान है 3, और डी का मान अगर निकालेंगे तो t2 माइनस t1, ठीक है? t2 माइनस t1, तो यानी इसका मतलब हो गया 5 माइनस 3 यानी 2, तो ये हो गया 5 माइनस 3 2, तो D का मान कितना आ गया? 2 आ गया, तो इसमें हम रख देंगे, यानी हमें निकला है पांचवा पद निकालना है। तो A5 बराबर L, L का मान है हमारे पास 201 माइनस N माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू D का मान है 2, तो 201 हो गया माइनस 5 में से 1 गया 4, 4 गुणे 2 तो यहां पर हो गया 201 माइनस 4 दूनी 8, तो 201 में से 8 घटा देंगे, 201 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 8 गया 3, और यहां पर आपके लिए बचा 9 बचा यहां पर, और इस हिसाब से यहां पर हो जाएगा हमारे लिए 9, ठीक है? और ये 1 193, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया यहां पर, A5 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 193 जो है, अंत से अगर पद निकालेंगे तो पांचवा पद 193 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा यहां पर प्रश्न खत्म हो चुका है और छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठा प्रश्न, तो देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। लिखा है अनुक्रम 114, अनुक्रम सिक्वेंस दिया गया 114, 109 और 104 डॉट 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 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, का कौन सा पद, का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, इस बात को यहां पर ज्ञात करना है, ठीक है? ऋणात्मक होगा तो यहां पर हम निकाल लेते हैं, ए का मान तो 114 दिया गया है, ये हो गया 114, और डी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 109 और माइनस का 114, तो इस हिसाब से यहां पर कितने का अंतर है, तो देख सकते हैं 5 का अंतर है, माइनस का 5 का अंतर है, ठीक है? 5 का अंतर चल रहा है, 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहां से ऋणात्मक पद, कौन सा ऋणात्मक पद जो है निकालना है आपके लिए, तो हम यहां पर मान के चलेंगे ऋणात्मक पद कोई भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है? एनवा पद होगा, एनवा पद, तो एनवा पद यहां पर मान के चल रहे हैं, तो टी एन बराबर हो जाएगा ए, ए का मान हमारे पास है 114 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी, एन का मान हमें पता नहीं है, माइनस वन इंटू डी का मान है माइनस का 5, ठीक है? क्लियर है? तो टी एन बराबर हो जाएगा 114 और प्लस माइनस आ जाएगा, अब यहां पर गुणा कर देंगे, माइनस 5 के गुणा एन से करेंगे तो माइनस का 5 एन, और माइनस के गुणा माइनस 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 5। क्लियर है? 5 हो गया प्लस का, तो माइनस का 5 एन हो गया और माइनस के गुणा माइनस प्लस 5 हो गया, तो इस हिसाब से यहां पर टी एन बराबर हो जाएगा 114 और 5 119 और माइनस का 5n, ये आ गया, ठीक है? ये आ गया 5n। क्लियर? तो इस तरीके से यहां पर हम मान के चलेंगे कि टर्म हमारे पास 0, टी एन कुछ भी टर्म हो सकता है, तो यानी 0 मान के चलेंगे, 0 119 माइनस का 5n, तो n बराबर आ जाएगा 119 बटे में 5, 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 1 बचा 19 हो गया, और 5 चक्कू 20, 5 25, इस हिसाब से यहां पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा 19 हो गया, 5 3 15 और 5 चक्कू 20, ज्यादा हो जाएगा,
तो 5 × 20 यानी लगभग इतना ही पड़ जाएगा, तो इतना लिख सकते हैं n बराबर 24, यानी इसका 24वां पद जो होगा, 24वां पद जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी पहला पद जो है 24वां पद निगेटिव होगा, ठीक है, 24वां पद। तो यहां पर इस तरीके से हमारा प्रश्न जो छठा था वो भी खत्म हो चुका है, और अब हम बात करेंगे यहां पर सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे सातवां प्रश्न। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम आपके लिए सातवां प्रश्न करा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 चल रही है जिसमें सातवां प्रश्न का आपके लिए करा रहे हैं। सातवां प्रश्न लिखा हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, यानी T1 बराबर ए, पहला पद ए ही है, ठीक है ना। इसी तरीके से कह रहे हैं एनवा पद भी है, यानी एनवा पद Tn बराबर b, एनवा पद भी है। तो एनवा पद b होने का मतलब क्या है कि हम लिखेंगे यहां पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में b, ये एनवा पद भी है, क्लियर है। और आपसे पूछा जा रहा है उस श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी उस श्रेणी का d का मान क्या होगा, इस चीज को हमें निकालना है। तो यहां पर बेटा डी का मान निकालेंगे, हमें जो पहला पद दे रखा है वो ए ही दे रखा है, तो हम इसको यहां पर ए ही रख के चलेंगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर बी, ये ठीक है, ये हो गया। और एनवा पद है बी, एनवा पद बी था तो हमने लिख लिया, तो यहां पर डी का मान निकालना है तो निकाल लेंगे। देखिए एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा बी, और ए जो है इधर वो उधर चला जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा बी माइनस ए और बटे में एन माइनस वन, ये डी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, और इम्पोर्टेंट था, हालांकि यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न था जो कि हमने आपके लिए करा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सातवां प्रश्न आपके लिए हो चुका है, ठीक है ना। तो सातवां प्रश्न आपके लिए कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए प्रश्न बताएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न, आठवां प्रश्न है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां पर हम आपके लिए आठवां प्रश्न बताते हैं। आठवां प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर पहला लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये लिखा है 2 और स्पेस दिया गया है और फिर लिखा है 26, तो इसका मतलब यहां पर जो दूसरा पद है वो नहीं दिया गया है, तो आपको दूसरा पद निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है हमारे पास, ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए कुल मिलाकर के पद कितने हैं, 3 हैं, यानी तीसरा पद जो है वो 26 है। तो हम यहां पर लिख लेंगे कि क्या यहां पर आपके लिए लास्ट टर्म, यानी 3 ही पद हैं, कुल मिलाकर के 3 पद हैं और ए का मान है 2, और यहां पर टोटल पद हैं जो कुल पद हैं वो है 3, कुल पद कितने हैं वो है 3, तो तीसरा पद 26 है, इसका मतलब हुआ T3 बराबर 26। तो यहां पर आप देख सकते हैं A प्लस 2D हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 26, क्योंकि तीसरा पद एक पद कम में यहां पर 2D हो गया, यानी एक एक कम में लिखा जाता है, n माइनस वन इंटू डी होता है। तो A का मान हो गया 2 प्लस 2D बराबर में 26, तो 2D बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, यानी 2D बराबर 26 में से 2 चला जाएगा यहां पर, तो आपके लिए बचेगा 24, तो D बराबर आ जाएगा 24 बटे में 2, 2 से ये कट जाएगा, तो D का मान आ गया 12। ये जो D का मान 12 आया है, इस हिसाब से यहां पर जो दूसरा पद होगा वो हम निकाल सकते हैं, तो T2 बराबर हो जाएगा ए प्लस 1D, ए का मान है 2 प्लस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 12, तो इस हिसाब से हो जाएगा 2 प्लस 12 एकम 12, और 12 और 2 हो जाएगा यहां पर आपके लिए 14। तो यहां पर जो दूसरा पद हो जाएगा वो आपके लिए 14 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहां पर दूसरा टर्म ले लेंगे, दूसरा जो है पार्ट है, पहले गैप है फिर 13 लिखा हुआ है, फिर गैप है फिर 3 लिखा हुआ है, ये है, इसमें आपके लिए दूसरा पद दिया गया है, यानी T2 बराबर दूसरा पद कितना है 13, तो यहां भी T2 बराबर 13 दिया गया है, यानी A प्लस 1D इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही यहां पर आपके लिए लास्ट टर्म दिया गया है, यानी 1 2 3 4 चौथा पद दिया गया है, तो T4 इक्वल टू 3, तो A प्लस 3D बराबर में 3, इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें डी का मान और ए का मान निकालना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे ए प्लस 1d इक्वल टू 13 और ए प्लस 3d इक्वल टू 3। ये है आपके लिए क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे तो ए से एक कट जाएगा और 3d में से एक d चला जाएगा माइनस का। 1d इक्वल टू यहां पर माइनस करेंगे तो 13 में से 3 गया 10 बचेगा, यानी d का मान आ गया माइनस का 10। जब d का मान माइनस का 10 आ गया तो ए का ही मान निकालेंगे, a प्लस 1d इक्वल टू है 13। तो इस हिसाब से यहां पर a प्लस 1 इंटू डी का मान माइनस 10 है बराबर में 13 हो गया। तो a माइनस 10 बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा आपके लिए 13 प्लस 10, तो a बराबर हो जाएगा आपके लिए 3 और 1 1 2 23, a का मान 23 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर जो पहला टर्म है वो a का मान आ गया 23। अब आपके लिए यहां पर तीसरा पद निकाल लेना है, तो तीसरा पद यहां पर कितना आएगा, तो t3 बराबर a प्लस 2d। तो a का मान है 23 प्लस 2 इंटू डी का मान हमारे पास है माइनस का 10, तो यहां पर हो जाएगा 23 और 2 दशमलव 20 माइनस का 20, 23 में से 20 चला जाएगा, यहां पर आपके लिए बचेगा 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा जो पद होगा वो 3 होगा, यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। तो अगला हम यहां पर करने वाले हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है देखिए, लिखा है 5 और डैश फिर डैश 9 सही 1/2, ये है। अब आप ये देखिए, ये इसका पहला पद कितना है, पहला पद है 5 और इसका 1 2 3 4 चौथा पद है इसका t4 इक्वल टू 9 सही 1/2। तो चौथे पद के लिए लिखेंगे a प्लस 3d बराबर में 9 2 18 यहां पर और 1 19 19/2। तो यहां पर आपके लिए a का मान है 5, 5 प्लस 3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5, तो 3d बराबर हो जाएगा 19 माइनस 5 दूनी 10 और बटे में 2, तो 3d बराबर हो जाएगा 19 में से 10 गया 9/2, तो d बराबर हो जाएगा 9/2/3। तो 9/2 गुणे 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 यहां पर 9 यानी 3/2। डी का मान यहां पर आपके लिए 3/2 आ गया है, तो ए का भी मान पता है, तो हम यहां पर आपके लिए जो है दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो t2 इक्वल टू a प्लस 1d, a का मान है 5 प्लस 1 इंटू डी का मान आ गया हमारे पास 3/2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3/2, तो 5 2 9 10, 10 प्लस 3/2 यानी 13/2 जो है यहाँ पर दूसरा पद हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे पद की, तो तीसरा पद भी निकाल सकते हैं a प्लस 2d, a का मान हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू डी का मान हमारे पास 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 5 प्लस 3 और 5 3 हो जाएगा आपके लिए 8। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा तीसरा पार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम आपके लिए चौथा पार्ट बताते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए बच्चों, अब आपके लिए हम यहाँ पर चौथा पार्ट कराते हैं आठवें का। क्या है यहाँ पर, माइनस का 4, 1 2 3 4 और ये 6 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो पहला पद है a बराबर माइनस का 4 और 1 2 3 4 5 6 और छठा पद जो है वो दिया गया है 6, ठीक है। बाकी सभी पदों को ज्ञात करना है। तो यहां पर आप देखिए, छठा पद का मतलब a प्लस 5d इक्वल टू 6, तो a का मान है माइनस 4 प्लस 5d बराबर में 6, यानी 5d बराबर हो जाएगा 6 और 4 इधर आ जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यानी 5d बराबर हो जाएगा 6 और 4 10, तो d बराबर हो जाएगा 10/5, 5 1 5 5 2 10 यानी d का मान आ गया 2। जब यहां पर d का मान 2 आ गया है तो इस हिसाब से हम पदों को निकाल सकते हैं। इसका दूसरा पद निकालेंगे तो t2 बराबर a प्लस 1d, a का मान है माइनस 4 प्लस 1 इंटू डी का मान है 2, तो माइनस 4 प्लस 2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम तीसरा पद निकालेंगे तो t3 बराबर a प्लस 2d, a का मान है यहां पर माइनस का 4 प्लस 2 गुणे d का मान है माइनस का 2, 2 है प्लस का यहां पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 2 दूनी 4
यानी इस कट जाएगा तो जीरो आ जाएगा। ऐसे ही टी फोर निकाल सकते हैं, ए प्लस थ्री डी, ए का मान है माइनस चार प्लस थ्री इंटू डी का मान है हमारे पास दो, तो माइनस चार प्लस तीन दूनी छः और छः में से चार गया आपके लिए आ गया दो। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रत्येक टर्म को निकाल सकते हैं। चौथा पार्ट हो गया हमारा यहाँ पर, अब हम आपके लिए पांचवा पार्ट बता देते हैं। आठवें का पांचवा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला टर्म नहीं दिया गया है, उसके बाद दिया गया आपके लिए दूसरा पद 38, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं दिया गया, छठा पद दिया गया माइनस का 22। यानी इसका मतलब है दूसरा पद है और ये छठा पद है, तो दूसरा पद मैंने लिख लिया 38 और छठा पद लिख लिया मैंने माइनस का 22। तो दूसरे पद को लिख सकते हैं a प्लस 1d इक्वल टू 38 और छठे पद को लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22। माइनस 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 ये कट गए, 5d में से 1d चला गया माइनस का 4d इक्वल टू प्लस 22 हो गया। यहां पर 8 और 2 10 का 0, यहां से लगा 1 3 2 5 और 1 6 हो गया, तो d बराबर हो जाएगा 60 बटे में यहां पर माइनस का 4, दो से काट देंगे दो दूनी चार और यहाँ पर दो तिया छः और ये जीरो, दो से काट देंगे 15 बार में, यानी डी का मान आ गया माइनस का 15। अगर डी का मान माइनस का 15 आ गया है तो इस हिसाब से यहाँ पर हम आपके लिए तीसरा पद निकाल सकते हैं, तो टी थ्री बराबर हो जाएगा ए प्लस 2d। ए का मान हमारे पास है, ए का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, डी का मान आ चुका है। ए का मान कैसे निकालेंगे, हमारे पास डी का मान माइनस 15 है, तो आप यहाँ पर करेंगे a प्लस 1d, 1 इंटू डी का मान माइनस 15 है और बराबर में हमारे पास है 38। तो यहां पर देखिए a माइनस का 15 हो जाएगा बराबर में 38, तो a बराबर आ जाएगा 38 प्लस 15, 8 5 13 का 3 यहां से लगा 1 3 1 4 1 5 53 आ गया। a का मान यहां पर 53 रख देंगे प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस का 15 है, तो ये हो जाएगा 53 माइनस का 15 दूनी 30, तो ये घटा देंगे 3 आ गया, 5 में से 3 गया 2 23। इस तरीके से यहाँ पर हम ये वाला भी टर्म निकाल सकते हैं और ये वाला भी। सिंपली आपके लिए करना क्या है, यहाँ पर करना ये है कि आपके लिए ये चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर सभी वैल्यूज को रख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर आठवें के आपके लिए पांचों पार्ट हमने आपको बता दिए किस तरीके से करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लघुत्तर प्रश्न का आठवां प्रश्न पूरा होगा और आपके लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी आप जब देखेंगे तो इसके अगले प्रश्नों को कराया जाएगा। 9 से लेकर के इसमें करीब 17 तक हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आपको वो अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे करीब कुछ प्रश्न। तो तब तक आपके लिए इतना ही देखना है और इसी को ध्यान से जो है करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।